अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल टॉक अबाउट द कोविड-19 एंड द स्मोकिंग और इसमें सिंक का क्या रोल है। आज हम बात करेंगे इस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्मोकिंग जो है ना उसका एक मेन इफेक्ट है आपके लंग्स पे, जिसकी वजह से आपका लंग्स जो है वो मोर रिस्क फैक्टर होता है कोविड-19 पे। तो स्मोकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कोविड-19। अब सिंक जो है कंपेन चला रही है, इस पर वो कह रही है कि तंबाकू फ्री होम्स बनाए जाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्मोकिंग का जो है ना वो बड़ा डेडली इफेक्ट है आपके लंग्स पे, जिसकी वजह से आपके लंग्स जो है वो मोर रिस्क फैक्टर होते हैं कोविड-19 पे। और अगर ना भी हो तो हर साल 8 मिलियन पीपल जो है वो तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से मरते हैं। सो प्लीज़ क्विट द तंबाकू एंड द स्मोकिंग। देन तो स्मोकिंग अब ये है कि जब आप स्मोक करते हैं तो आपके जो टू फिंगर्स है जिसमें आपने सिगरेट पकड़ा होता है आपके माउथ के करीब जाते हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, जब आप हुक्का पीते हैं तो उसके पाइप की वजह से आपका पाइप शेडिंग की वजह से तंबाकू से रिस्क फैक्टर बढ़ता है कोविड-19 का। तो ये भी एक चांसेस हैं कोविड-19 के। उसके अलावा जो है वो तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है आपके लंग्स में, जिसकी वजह से जो है वो कोविड-19 के इफेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं एज सच नॉन स्मोकर पर्सन के। इफ़ यू आर स्मोकर तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कोविड-19 में, बट नॉन स्मोकर के चांसेस कम हैं कोविड-19 होने के। यू कैन ऑल्सो सी द रिसर्च ऑफ द WHO जिन्होंने शाया की है इंटरनेट पे, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं कि स्मोकिंग की वजह से इन्फ्लुएंजा एंड कोल्ड्स और निमोनिया टिपिकॉस TB होता है, जिसकी वजह से आपका लंग्स जो है मोर रिस्क होता है कोविड-19 के। सो 31 में इज़ अ टबाकू कंट्रोल डे, सो प्लीज़ क्विट द टबाकू, क्विट द स्मोकिंग एंड क्विट ऑल द थिंग्स इन विच टबाकू इज़ यूज। लेट्स मेक द पाकिस्तान टबाकू फ्री। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई एम सैयद मोहम्मद कहालदर।